अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा ड्रामे की कास्ट के बारे में कि ये ड्रामा जो है इसमें कौन से एक्ट्रेसेस जो है वो काम कर रहे हैं। आज मैं उनके बारे में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये रमज़ान स्पेशल ड्रामा जो है वो तैयार किया गया है। आज मैं आपको इसकी कास्ट के बारे में और उनकी एजेस के बारे में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ड्रामे की राइटर साइमा अकरम चौधरी, जबकि इस ड्रामे के डायरेक्टर जो है वो दानिश नवाज हैं। ये ड्रामा बहुत ही हिट जाने वाला है। पहले नंबर पर हमारे पास आती हैं आयजा खान, जिन्होंने नैन तारा का किरदार अदा किया है चांद और तारा ड्रामे में। अगर इनकी एज की बात की जाए तो 15 जनवरी 1991 में पैदा हुई हैं, और अगर 2023 के लिहाज से इनकी उम्र का पता किया जाए तो ये 32 साल की बनती हैं। इसके बाद हमारे पास पर दूसरे नंबर पर आते हैं दानिश तमूर, जो कि एक्टिंग के लिहाज से बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं, और ये इन्होंने बहुत से जो है फेमस ड्रामों में काम किया है। अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो ये 16 फरवरी 1983 में पैदा हुए हैं, और 2023 के लिहाज से इनकी उम्र 40 वर्ष बनती है। नंबर थर्ड पर हमारे पास आती है माहा हसन, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और फेमस एक्ट्रेस हैं। इन्होंने भी बहुत से फेमस ड्रामों में काम किया है, और अगर उनकी उम्र की बात की जाए तो ये 18 सितंबर 1994 में पैदा हुई थी, और 2023 के लिहाज से इनकी उम्र 28 वर्ष बनती है। नंबर फोर पर हमारे पास आते हैं अदनान जाफर, इन्होंने भी चांद और तारा ड्रामे में मरकजी किरदार अदा किया है और अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए हैं। इसके बाद हमारे पास आती हैं सबा फैसल, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और जानी हुई एक्ट्रेस हैं, पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं। इन्होंने बहुत से ड्रामों में काम किया है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस हैं। अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो ये 31 जनवरी 1958 में पैदा हुई थी, और 2023 के लिहाज से इनकी उम्र 65 वर्ष बनती हैं। हमारे पास आते हैं बहरोज सफारी, और ये भी इस चांद तारा ड्रामे में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो ये 16 फरवरी 1957 को कराची में पैदा हुए थे, और 2023 के लिहाज से अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो ये 66 ईयर्स के बनते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं रेहान शेख, जो कि हमारी पाकिस्तानी फिल्मी इंडस्ट्री के एक्टर, डायरेक्टर और फिल्म मेकर भी हैं। इन्होंने भी इस ड्रामे में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए हैं। अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो ये 13 जनवरी 1979 को पैदा हुए थे, और 2023 के लिहाज से इनकी उम्र 54 वर्ष बनती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं दानिश नवाज, इन्होंने भी चांद तारा ड्रामे में किरदार अदा किया है, और इसी तरह ये इस ड्रामे के डायरेक्टर भी हैं, इसीलिए इन्होंने बहुत अच्छी किरदार अदा किया है फिल्म में। इसके बाद हमारे पास आती हैं गज़ल सिद्दीकी, गज़ल सिद्दीकी भी चांद तारा ड्रामा में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखा रहे हैं। अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो ये 7 सितंबर 1974 में पैदा हुई थी, और 2023 के लिहाज से इनकी उम्र 50 वर्ष बनती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं पाकिस्तान की मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस बशीर वजाहत, इस ड्रामे में बशीर वजाहत ने भी मरकजी किरदार अदा किया है और अपनी शानदार एक्टिंग का मुजाहरा किया है। अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो ये 11 अक्टूबर 2002 में पैदा हुए हैं, और अगर 2023 के लिहाज से इनकी उम्र लगाई जाए तो ये 20 वर्ष के बनते हैं। इसके बाद हमारे पास आती हैं रुमैसा खान, जो कि बहुत ही जानी मानी टिकटॉकर हैं, और इनको इनके एक्सप्रेशन के लिहाज से एक्सप्रेशन क्वीन कहा जाता है। ये भी चांद और तारा ड्रामे में अपनी एक्टिंग का मुजाहरा करती हुई नज़र आ रही हैं। अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो ये 18 सितंबर 2000 में पैदा हुई हैं, और 2023 के लिहाज से इनकी उम्र 23 वर्ष बनती है। बाद हमारे पास आती हैं मदीहा इफ्तखार, मदीहा इफ्तखार ने भी चांद तारा ड्रामे में किरदार अदा किया है और अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए हैं। अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो ये 5 फरवरी 1985 में पैदा हुई हैं, 2023 के लिहाज से इनकी उम्र देखी जाए तो 38 वर्ष इनकी उम्र बनती है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा ड्रामे की कास्ट के बारे में कि ये ड्रामा जो है इसमें कौन से एक्ट्रेसेस जो है वो काम कर रहे हैं। आज मैं उनके बारे में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये रमज़ान स्पेशल ड्रामा जो है वो तैयार किया गया है। आज मैं आपको इसकी कास्ट के बारे में और उनकी एजेस के बारे में
आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ड्रामे की राइटर साइमा अकरम चौधरी, जबकि इस ड्रामे के डायरेक्टर जो है वो दानिश नवाज हैं। ये ड्रामा बहुत ही हिट जाने वाला है। पहले नंबर पर हमारे पास आती हैं आयशा खान, जिन्होंने नयनतारा का किरदार अदा किया है चांद और तारा ड्रामे में। अगर इनकी एज की बात की जाए तो 15 जनवरी 1991 में पैदा हुई हैं, और अगर 2023 के लिहाज से इनकी उम्र का पता किया जाए तो ये 32 साल की बनती हैं। इसके बाद हमारे पास पर दूसरे नंबर पर आते हैं दानिश तमूर, जो कि एक्टिंग के लिहाज से बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं, और ये इन्होंने बहुत से जो है फेमस ड्रामों में काम किया है। अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो ये 16 फरवरी 1983 में पैदा हुए हैं, और 2023 के लिहाज से इनकी उम्र 40 वर्ष बनती है। नंबर थर्ड पर हमारे पास आती है माहा हसन, जो कि बहुत ही खूबसूरत और फेमस एक्ट्रेस हैं। इन्होंने भी बहुत से फेमस ड्रामों में काम किया है, और अगर उनकी उम्र की बात की जाए तो ये 18 सितंबर 1994 में पैदा हुई थी, और 2023 के लिहाज से इनकी उम्र 28 वर्ष बनती है। फोर पर हमारे पास आते हैं अदनान जाफर, इन्होंने भी चांद और तारा ड्रामे में मरकजी किरदार अदा किया है और अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए हैं। इसके बाद हमारे पास आती हैं सबा फैसल, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और जानी हुई एक्ट्रेस हैं, पाकिस्तानी एक्ट्रेसेज हैं। इन्होंने बहुत से ड्रामों में काम किया है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस हैं। अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो ये 31 जनवरी 1958 में पैदा हुई थी, और 2023 के लिहाज से इनकी उम्र 65 वर्ष बनती हैं। हमारे पास आते हैं बहरोज सफारी, और ये भी इस चांद तारा ड्रामे में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो ये 16 फरवरी 1957 को कराची में पैदा हुए थे, और 2023 के लिहाज से अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो ये 66 ईयर्स के बनते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं रेहान शेख, जो कि हमारी पाकिस्तानी फिल्मी इंडस्ट्री के एक्टर, डायरेक्टर और फिल्म मेकर भी हैं। इन्होंने भी इस ड्रामे में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए हैं। अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो ये 13 जनवरी 1979 को पैदा हुए थे, और 2023 के लिहाज से इनकी उम्र 54 वर्ष बनती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं दानिश नवाज, इन्होंने भी चांद तारा ड्रामे में किरदार अदा किया है, और इसी तरह ये ड्रामे के डायरेक्टर भी हैं, इसीलिए इन्होंने बहुत अच्छी किरदार अदा किया है फिल्म में। इसके बाद हमारे पास आती हैं गज़ल सिद्दीकी, गज़ल सिद्दीकी भी चांद तारा ड्रामा में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखा रहे हैं। अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो ये 7 सितंबर 1974 में पैदा हुई थी, और 2023 के लिहाज से इनकी उम्र 50 वर्ष बनती है। इसके बाद हमारे पास आते हैं पाकिस्तान के मशहूर मॉडल और एक्टर अशीर वजाहत, इस ड्रामे में बशीर वजाहत ने भी मरकजी किरदार अदा किया है और अपनी शानदार एक्टिंग का मुजाहरा किया है। अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो ये 11 अक्टूबर 2002 में पैदा हुए हैं, और अगर 2023 के लिहाज से इनकी उम्र लगाई जाए तो ये 20 वर्ष के बनते हैं। इसके बाद हमारे पास आती हैं रुमैसा खान, जो कि बहुत ही जानी मानी टिकटॉकर हैं, और इनको इनके एक्सप्रेशन के लिहाज से एक्सप्रेशन क्वीन कहा जाता है। ये भी चांद और तारा ड्रामे में अपनी एक्टिंग का मुजाहरा करती हुई नज़र आ रही हैं। अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो ये 18 सितंबर 2000 में पैदा हुई हैं, और 2023 के लिहाज से इनकी उम्र 23 वर्ष बनती है। बाद हमारे पास आती हैं मदीहा इफ्तखार, मदीहा इफ्तखार ने भी चांद तारा ड्रामे में किरदार अदा किया है और अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए हैं। अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो ये 5 फरवरी 1985 में पैदा हुई हैं, 2023 के लिहाज से इनकी उम्र देखी जाए तो 38 वर्ष इनकी उम्र बनती है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।